इसोफेगस का रोल ये है कि एक पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है, लंग्स के बीच से होकर जा रहा है, वो मुँह से लंग्स तक जो जा रहा है, इसके बाद स्टमक में ही खुलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में है। समझ में आया? इसोफेगस एक पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है जो माउथ मतलब बक्कल कैविटी और स्टमक को जोड़ने वाला पाइप है। इसमें फूड जब मूवमेंट करता है तो इसका जो मूवमेंट का नाम है उसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाइलसिस उसे कहते हैं। तो ये पूछा जाता है पेरिस्टाइलसिस कहाँ होती है, तो ये ईसोफेगस में होती है। ये क्या करता है, फूड को आगे बढ़ाने का काम करता है, टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे कि एक पेरिस्टाइलसिस क्या है, तो कंट्रक्शन है एंड एक्सपेंशन है आगे बढ़ाने वाला ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश फॉरवर्ड। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जब फूड आगे बढ़ रहा है तो वो पेरिस्टाइलसिस के थ्रू बढ़ रहा है, एक प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाने वाला।